हिमाचल प्रदेश चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव सिंह ने सरकार से बैंकों में ऑडिटर रखने के लिए पुरानी पद्धति को लागू करने की मांग की है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजीव सिंह ने कहा कि गत वर्ष पीएमओ को भेजे गए पत्र का जवाब भी संतुष्टिजनक नहीं आया है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि बैठक की शाखाओं में ऑडिटर की नियुक्ति के लिए पीएमओ से मिले निर्देशों पर भी कार्य किया जाए। प्रदेशाध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि पीएमओ से भी आए हुए जवाब भी संतुष्टिजनक नहीं है और बैंकों में ऑडिटर रखने के लिए जल्द केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल बैंक के कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि ऑडिट का काम भी बढ़िया से होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 से पहले ऑडिट सिस्टम ठीक थी, लेकिन इसके बाद बैंकों को ऑडिटर रखने का प्रावधान किए जाने से मामला गड़बड़ा गया है। राजीव सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में 1000 सीए रजिस्टर्ड हैं, जो कि बखूबी बैंकों में भी ऑडिट का काम देख रहे हैं, लेकिन बैंकों की मनमानी के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बैंकों की ब्रांच ऑडिट की लिमिट को 20 करोड़ से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के जवाब में भी साफ निर्देश नहीं मिले हैं, जिससे प्रदेश के सभी सीए में रोष है। गौरतलब है कि वर्ष 2010 के बाद से निजी और सरकारी बैंक की शाखाएं अपने स्तर पर ही ऑडिटर रखकर ऑडिट करवा रही हैं और इससे बैंकों के ऑडिट पर प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं। वहीं कई बैंकों में लोन केसों की रिकवरी से लेकर दूसरी गतिविधियां भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अप्रैल 2017 में दी थी, जिसमें कि हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जो ब्रांचेस का ऑडिट है, बैंक के ब्रांचेस के जो ऑडिट है वो 20 करोड़ तक की लिमिट को कम किया जाए और इसके साथ जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रांच ऑडिटर्स का, वो जैसा 2010 से पहले होता था उसी हिसाब से रखा जाए। तो अभी तक हमारे को रिजर्व बैंक की जो आई है, रिजर्व बैंक का जो रिप्लाई आया है, उसमें इसमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाए जिससे कि सभी ऑडिटर्स को इक्विटेबल बेस पे ऑडिट की अलॉटमेंट की जाए। इसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, उनको भी हमारी ये डिमांड है कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनकी ऑडिट अलॉटमेंट जो है, ऑडिटर्स की जो सिलेक्शन है, वो भी नेशनलाइज बैंकों के बेस पे किए जाए। तो इसके साथ हमारे यही है कि जब हमारा हर साल इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा तो उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो टाइमली आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे और बैंकों की जो मनी जो लोग लोन लेने के बाद प्रॉपरली वापस नहीं कर पाते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है कि वो जल्दी से जल्दी की जा सकेगी। और इसके साथ आपको जो हमारी डिमांड्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस ने बड़े अच्छे ढंग से इसको सुनी थी, परंतु अभी तक उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई गई है, जिसके लिए हमारी ये डिमांड हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा उसको जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, जो बैंक्स के लिए पीएमओ से इंस्ट्रक्शन आई है कि एक सॉफ्टवेयर तैयार करके सभी को बराबर तरह का ऑडिट अलॉटमेंट होए, उस तरह की हमारी डिमांड है कि वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए।